हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग कैसे, पहले ये बताइए। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे यहाँ पता नहीं क्या लग गया है, और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी अपनी ग्रीन टी। तो यहाँ पे देखिए कुछ आया है। तो ये कमोड है, ऊपर लगने के लिए आई हुई है। तो फिलहाल यहाँ रखी हुई है क्योंकि आज हम लोगों को जाना है, तो इसलिए अभी फिट नहीं करवाया है। और अभी मेरे सुबह सुबह 3 पार्सल आए हुए हैं, ये देखिए वहाँ पे रखे हुए हैं। और मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं एंड बच्चों के बस ऊपर ही रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने निकाला है। तो चलिए सबसे पहले पीते ग्रीन टी। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले ग्रीन टी पीऊँगी, और उसके बाद करेंगे हम लोग नाश्ता जाने से पहले। और क्या नाश्ता है चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो मैं नहा चुकी हूँ, देख रहे हैं आप, मैंने ये पहना हुआ है। और मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं आ गई थी ऊपर, और ये मेरा सेटअप तैयार है। तो मैंने यहाँ पे इस समय ऊपर अपना सेटअप तैयार करके रखा है। तो बस जा रही हूँ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और बिल्कुल डन, और यहाँ बगल में घर बन रहा है तो इसकी आवाज़ आ रही होगी दम दम। तो मैंने ये कुर्ती लिया था बोले वाली विद प्लाजो, मैंने ये पहना है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैंने अपना सारा सेटअप देखना है, ऐसे ही रखा होगा। बस मुझे इसमें सेल्फी स्टिक रखनी है, और बस यही सारी चीज़ें रखी हुई इसमें, आप बाकी की चीज़ें रखी हुई है। और बिंदी लगानी है जाकर, तो बिंदी लगा लूँगी। और मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक। तो चलिए चलते हैं नीचे। और इसमें अभी रखना है मोबाइल, और एक मोबाइल अभी नीचे है। तो कॉम करूँगी नीचे। एंड मैंने बहुत सारी कल ऑयलिंग की थी, तो आज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं हेयर वॉश कर सकूँ, इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। और काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग है, चलिए चल सही रहेगा। मालूम है क्या करें, मजबूरी है मेरी क्योंकि डस्ट लगती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बाल गंदे हो जाते हैं वैसे तो। चलो चलते हैं, मैंने सारी चीज़ें रख ली है, इयर रिंग्स पहन लिया है, चले। गाइस हम लोग कहाँ गए बता दो जल्दी से, चिड़ियाघर जू। तो हम लोग आ गए, जू पहुंच गए। यहाँ पे एक लोग शर्त हार गए, मेरी सिस्टर शर्त हार गई के रखी है। यहाँ हम लोग आए हैं इस तरीके से, मैंने अपने घर के स्वेटर पहन लिया। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे, काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ थी जू में, काफ़ी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे जो है मास्क वगैरह, तो पहले एंट्री होती थी, मास्क के बिना एंट्री नहीं होती थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मास्क अगर आपने नहीं भी लगाया था तो, यही शर्त लगी थी जीजू और मेरी सिस्टर में कि मास्क के बिना, उन्होंने कहा था कि एंट्री हो जाएगी, और सिस्टर ने कहा था कि नहीं। मतलब मेरी ये बेइज्जती क्यों? हम लोग आ गए हैं जू इस साल, ये दूसरी बार हम लोग आए, देखो एंड में स्टार्टिंग में आए थे और एंड में भी आए। आयु कौन सी लोग हैं? ये वाली कौन सी लोग? ये वाली, ये यहाँ देखो, इधर देखो,
यहाँ जो है मम्मा का मम्मा नहीं सॉरी पापा और बेटे की फोटो आ रही है। ये किट्टू यहाँ पे नाच बहुत ज्यादा भीड़ है और गई है मेरी सिस्टर ये इधर आओ बेटू ये साइकिल लेके और ये लोग सब लोग साइकिल लिए हुए हैं मुझे नहीं चलाने आती है और फिर मैं फिलहाल तो चला भी नहीं सकती हूँ चाह कर भी और सिया को भी साइकिल चलाना नहीं आता है। मैंने कहा बेटा अब सीख लेना उस स्कूल कोचिंग की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है तो मैंने कहा अब साइकिल जो है सीख लेना। पता नहीं कहाँ हो मुझे लगा पीछे हो मुझे लगा आगे है तो ये थे पीछे बाबू को लेकर। तो यहाँ पे हम लोग आए थे जहाँ पे बर्ड्स बहुत सारी हैं यहाँ पे बस ये बर्ड्स ही आपको मिलेंगी और उस बार मैं यहाँ पे नहीं गई थी तो ये एंट्री है यहाँ से तो काफ़ी अंदर तक है बड़ा सा और यहाँ पे बर्ड्स मिलेंगी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे व्यू बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा और सब बिल्कुल जो है ना पैक है तो आप देख रहे हैं अंदर से यहाँ पे इस तरह से है पूरा। और इस बार काफ़ी नई जगह हम लोग गए थे जब उस समय मैं नहीं गई थी तब यहाँ पे इस बार हम लोग नई जगह आए जहाँ मैं उस बार नहीं गई थी तो वही वही चीज़ें आप लोगों से शेयर किया है मैंने जो उस बार नहीं किया था मैंने। यहाँ पे हम लोग यहाँ चिड़िया वाला जो है ना घूमने का काफी लंबा तक आया है तो फोटो खींच रहे हो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ आ गए हैं काफी है, मतलब गेट से काफी दूर पड़ जाता है क्या है जहाँ ये भालू बैठे ना वही बगल में रेस्टोरेंट पड़ जाता है। हम लोग आए हैं पानी पीने के बहुत ज्यादा प्यास लग रही है आ जाओ बाबू चलिए ये हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में एंड काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी और तो मतलब ना गेट से काफ़ी ज़्यादा अंदर रेस्टोरेंट पड़ जाता है और गाड़ी हम लोगों से मिलती है वहाँ पर बट क्या था कि उन्होंने कहा था कि 2 घंटे रुकना पड़ेगा उसके बाद मिलेगी तो 2 घंटे कौन रुकता है इसलिए हम लोग टहलते हुए चले आए थे। उसके बाद यहाँ पर यम्मी सी खाई थी मैगी जो यहाँ पर मैगी ना काफ़ी टेस्टी बनती है अच्छी लगती है यहाँ पर मैगी और बस यहाँ पर मैगी खाने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए थे वो आप लोगों से शेयर करूँगी।
क्या वहाँ पे कुछ चिल्लाने की आवाज आ रही थी? हाँ जानवर चिल्ला रहा था। हेलो इधर मस्ती टाइम। ए यार हम सबकी फोटो वो पार्क में हुई थी आसिया यार चिल्ला रही। यहाँ पे हम तो ये साइड ना मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ, कभी आई नहीं हूँ यहाँ पे इस साइड। और वैसे तो जू बहुत बार आ चुकी हूँ तो यहाँ पे इस बार कुछ आपको न्यू देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जंगल ही जंगल है बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और धूप भी थी ठंडी भी थी। और ये देखिए ये तो मुझे ना नज़दीक से इतना डर लग रहा था, इससे ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में। गाइज ये देखिए ये है यहाँ की नई जगह जो हम लोग उस बार नहीं आए थे, वो इस बार आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये खाली है ना, खाली है ना जी, जो रुपए पकड़ रही है यहाँ पे तो ये तो खाली है ना, पर यहाँ पे ये हम लोग उस बार नहीं है लेकर आए हैं। और यहाँ पे काफी टहलते हुए यहाँ पे इस बार काफी, हाँ गिर ना जाए बाबू, काफी दूर तक आए। हाँ वही तो, किट्टू भाग रही है साइकिल के पीछे, ये देखो बाबू संभल के साइकिल सिखाया जा रहा है सिया को यहाँ पे, चाहे सिया यहाँ पे सीख जाए। तो यहाँ पे पूरा जंगल वाला है, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और गर्मी ठंडियों में घूमने का मजा ही कुछ आ रहा है। यहाँ से पूरा ऐसे रन करते हुए हम लोग पूरा ऐसे जाएंगे, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये लोग जो है जंपिंग, मतलब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे, मतलब ऊपर राउंड सा सबको जाना है, इस तरह से देख सकते हैं। तो सेफ्टी के साथ जो है ना बेल्ट वगैरह लगा कर भेजे, तो आयुषिया वगैरह गए हुए हैं। और यहाँ पे एक ही चेयर यहाँ पे दूर थी तो मैं यहाँ पर बैठी हुई, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है देख रहे हैं आप, मैं इस तरह से बैठी हुई बहुत थक गई हूँ। और बाकी मेरी सिस्टर भी गई हैं ऊपर, क्योंकि मेरा तो जाना इम्पॉसिबल है वहाँ पर इस वजह से, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। और अब बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अब तो लग रहा है कितना चलूँगी तो बहुत ज़्यादा।
हम लोग वहाँ से चीज़ी पास्ता खा के आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ एंट्री में ही स्टार्टिंग में पार्क पड़ता है। तो वहाँ से खाने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे बच्चे जो ऐसा इंजॉय करेंगे तब हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। तो ये लोग तो वैसे तो काफ़ी थक गए हैं। वो है वो अभी देखिए बच्चे वहाँ जा रहे हैं और यहाँ स्कूली बच्चे अभी यहाँ से गए ना तो काफ़ी डस्ट हो गई है यहाँ बहुत ज़्यादा। सो चलिए हम लोग खाए ना तो थोड़ा सा टहलते टहलते पच भी जाएगा, तो अभी हम लोग को पीनी है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पियेंगे। सो एवरीवन हम लोग आ गए हैं, तो इतना हम लोग थक गए ना बहुत ज्यादा और ठंडी अब शाम हो गई, तो फिलहाल हम लोग आ गए थे 4:30 बजे घर आ गए थे। तो मैंने बिंदी आज मैं लगाना भूल गई, अब मुझे इतना खराब लग रहा था अपना फेस, मेरी आदत नहीं है ना बिंदी बिना लगाए हुए, तो अब जाके मैंने बिंदी लगाया, मुझे अपना फेस इतना खराब लग रहा था, बिना बिंदी के अजीब लगता है। वैसे मैं अपने हर हैंडबैग्स में बिंदी एक रखती हूँ, बट लास्ट में वॉश किया था तो बिंदी मैंने पत्ते सब निकाल दिया था। तो बस अभी आए हैं हम लोग और बच्चे बहुत थक गए देख रहे हैं उनकी हालत, तो सिस्टर गई है अपने घर क्योंकि ठंडी बढ़ रही थी शाम को, तो बाबू की तबीयत भी मतलब ख़राब थी, तो इसलिए टाइम से घर भी जाना चाहिए था। क्यों बंद किया आपने, ब्लोवर चालू करो, तो ब्लोवर सेक रहे हैं और अभी मैंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरा पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ गई है, तो यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ गई है। सो आज मेरे सुबह भी पार्सल आए थे एंड अभी शाम को भी मुझे 6-7 पार्सल रिसीव हुए थे, और हम लोग जब आए थे तो भैया पहचान के है ना, तो वो उन्होंने जब हम लोग आए तब उसके बाद उन्होंने जो है डिलीवर किया था घर पे, तो एक साथ सारे ओपनिंग कर करके जो है ना ये आज मतलब ये ओपनिंग कर रहे थे इस सारे पार्सल लाइन से, क्योंकि इनके और सिया के ही पार्सल थे सारे, इसीलिए ये देखिए ये इनके लिए मंगाया था टी शर्ट और विक्टर की, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, और ये देखिए बाल तो बांध लेती, यहाँ पे ये चाय बनाना सीख रही है बेटी। मेरी बेटी की फर्स्ट चाय, पहली बार चाय बनाई है और वो भी बहुत अच्छी बनी है, क्यों बाबू? बहुत अच्छी बनी है, मैंने अभी पी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है, देखिए आप लोग भी अरे पी के बताऊंगा कैसी बनी है, बहुत टेस्टी बनी हुई है, मैं तो पी चुकी हूँ, थैंक यू बाबू। अच्छा बताओ चीला बना के कब खिला रही हो, अयान को भी धीरे मैं कुकिंग करना सिखा दूंगी, बहुत ही से कहती हूँ मैं चाय बनाऊंगी प्लीज, मैं अभी चाय बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है कभी बना लेना, जलने का डर लगता है तो मैं इसलिए मना कर देती थी कि नहीं ऐसा ना हो कि जल जाओ। आप पैन निकालना, मैं बनाऊंगी। चाय दे दो। ओके